हेलो स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने टू लॉज स्टडी किए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक थ्योरी ऑफ जोहान डाल्टन। The next problem faced by scientists was to give appropriate explanation of these laws. अभी ये दो laws हमने study किए थे, तो अभी scientist के सामने problem थी कि इनका एक appropriate explanation जो है वो कैसे किया जाए। British chemist Johann Dalton provided the basic theory about the nature of matter. यहाँ पर nature of matter की basic theory जो है वो प्रोवाइड की जोहान डाल्टन ने। जोहान डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर विच वाज टिल देन जस्ट ए फिलोसफी। इन्होंने मैटर की डिविजिबिलिटी का आइडिया जो है उसे यूज किया। ही टुक द नेम एटम एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम। जोहान डाल्टन ने एटम्स को मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया और इस एटम्स के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स अपनी एटॉमिक थ्योरी के फॉर्म में प्रेजेंट किए। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जोहान डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। तो जोहान डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो जोहान डाल्टन की इस एटॉमिक थ्योरी ने दोनों लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन के एक्सप्लेनेशन के लिए इन्होंने एक बेस प्रोवाइड किया। अभी जोहान डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या है, इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है, उनकी हम स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर, चाहे वो एक एलिमेंट है, कंपाउंड है या वो इनका मिक्सचर है, कंपोज्ड इन स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इस एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मैटर, चाहे वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या इनका मिक्सचर है, वो स्मॉल पार्टिकल्स जिन्हें हम एटम्स कहते हैं उनका बना होता है। जोहान डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स कौन से हैं? फर्स्ट पोस्टुलेट, ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सभी मैटर बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स के बने हैं जिन्हें एटम्स कहते हैं। सभी मैटर्स एटम्स के बने हैं जो बिल्कुल स्मॉल टीनी पार्टिकल्स है। एटम्स आर इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये एटम्स जो है वो इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स है, मीन्स इन एटम्स को और स्मॉल पार्टिकल्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते। इनको न तो केमिकल रिएक्शन में हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही केमिकल रिएक्शन में ये एटम्स जो है वो डिस्ट्रॉय होंगे। ये इनडिवाइजिबल पार्टिकल है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। किसी एक एलिमेंट के जो जितने भी एटम्स होंगे वो मास और केमिकल प्रॉपर्टी में बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, हमने अगर हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स लिए हैं तो मास और केमिकल प्रॉपर्टी में वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस और केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम डिफर एलिमेंट्स के एटम लें तो ये एटम्स जो है वो मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अगर हम एटम्स लें तो उनके मास और केमिकल रिएक्शंस जो है वो एक दूसरे से क्या होंगे, टोटली डिफर होंगे। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वोल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को बनाने के लिए एटम्स जो है वो स्मॉल वोल नंबर के रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर एक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के कितने हैं,
टू एटम्स है जो ऑक्सीजन के वन एटम के साथ में कंबाइन होंगे, H2O, हाइड्रोजन के टू एटम्स कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के वन एटम से। तो एटम्स जो है वो कंपाउंड्स को बनाने के लिए स्मॉल वोल नंबर के रेशियो में, जैसे यहाँ पर वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स का जो रेशियो है वो 2:1 है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कॉन्स्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी एक कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर और काइंड्स जो एटम्स के हैं, क्योंकि कंपाउंड्स है तो वो टू और मोर देन टू एलिमेंट्स के एटम्स का बना होगा, तो इस कंपाउंड में जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है उनके रिलेटिव नंबर और उनके जो काइंड्स है, कितने टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स उनमें है, वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें फिर अगर हम वाटर लें, हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स है, उनके रिलेटिव नंबर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो दो काइंड्स है वो इनमें कॉन्स्टेंट है। तो ये जोहन डोल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, जो इसे हम फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी कह सकते हैं। इसके पोस्टुलेट्स को हम फिर रिवाइज करेंगे। सभी मैटर जो है वो टीनी पार्टिकल्स एटम्स के बने हैं। सेकंड, एटम्स जो है वो इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स है, केमिकल रिएक्शंस में न हम इन्हें क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे मास और केमिकल प्रॉपर्टी में सेम होंगे। नेक्स्ट, डिफर एलिमेंट के एटम्स के मास और केमिकल प्रॉपर्टी डिफर होगी। फिर कंपाउंड्स को बनाने के लिए जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स स्मॉल वोल नंबर के रेशियो में कंबाइन होंगे। और सिक्स्थ पोस्टुलेट, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के जो एटम्स के जो काइंड्स है और जो रिलेटिव नंबर्स है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो इसमें कंस्टिट्यूएंट जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और उनके रिलेटिव नंबर भी कॉन्स्टेंट होंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स 2:1 में कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल को बनाते हैं। व्हाट इज एन एटम? एटम जो है वो मैटर का हम कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। उस मैटर, सभी मैटर्स जो है वो किसके बने हैं? एटम्स के बने हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए मेसन बिल्डिंग वॉल? आपने एक बड़ी बिल्डिंग वॉल को देखा होगा। फ्रॉम दीज वॉल्स ए रूम एंड देन ए कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म ए बिल्डिंग। एनी बिल्डिंग वॉल से रूम्स बनेगा और रूम के कलेक्शन से क्या बनेगी? बिल्डिंग बनेगी। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? अब अगर इस बड़ी बिल्डिंग की अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक को देखें तो वो क्या है? इस बड़ी बिल्डिंग का बिल्डिंग ब्लॉक एक ब्रिक, एक ईंट है, जिससे वॉल बनेगी, वॉल से रूम बनेंगे, रूम से एक ह्यूज बिल्डिंग बनेगी। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? इसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? इट इज ए स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, एक छोटे से सैंड के एक पार्टिकल से बना है। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर कंपाउंड्स। तो सभी जो मैटर है उनको बनाने वाला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम है। तो एटम क्या है? सभी मैटर्स को बनाने वाला जो एक स्मॉल यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है उनकी, वो एटम है। सभी मैटर एटम्स के बने हैं। हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स कितने बड़े हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। हम किसी भी स्मॉल, छोटी से छोटी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसकी हम इमेजिन कर सकते हैं, उससे भी स्मॉल साइज के एटम्स होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स वेन स्टैक्ड वुड मेक ए लेयर बेयरली एज थिक एज द शीट ऑफ पेपर। अगर हम मिलियंस एटम्स को एक दूसरे के ऊपर अटैच करें, मिलियंस एटम्स को एक दूसरे के ऊपर अगर हम अरेंज करें, तो इतनी एक पेपर से, एक पेपर की जो शीट है उससे भी थिन लेयर्स जो है वो मिलियन ऑफ एटम्स की बनेगी। यानी मिलियंस ऑफ एटम्स को अगर हम अरेंज करें तो एक पेपर शीट के इक्वल थिकनेस जो है वो उनकी थिकनेस उनको हम मान सकते हैं। तो हम एक कैलकुलेशन
हम एक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं कि एटम्स जो है वो स्मॉल साइज के, बहुत ही छोटे साइज के हैं। किसी भी ऐसी चीज जिसकी हम छोटी से छोटी चीज जिसकी हम इमेजिनेशन करें, ये उससे भी बहुत छोटे होते हैं। इनकी रेडियस जो है, एटम की जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, इसका मेजरमेंट एक स्पेशल यूनिट में किया जाता है जिसे हम नैनोमीटर कहते हैं, NM। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, अपने कह सकते हैं कि 1/9 power of 10 meter। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/9 power of 10 nanometer, मीन्स 1 नैनोमीटर जो है, 1 meter जो है उसमें 9 power of 10 nanometer है। तो एक मीटर का एक बिल्कुल छोटा सा जो पार्ट है उसे हम नैनोमीटर कहते हैं, जिससे हम एटम की एटॉमिक रेडियस का मेजरमेंट करते हैं। कुछ रिलेटिव साइज यहाँ पे दे रखे हैं, एटम ऑफ हाइड्रोजन -10 power of 10 nanometer रेडियस होगी, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर हम करें तो मीटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल का अगर हम रेडियस देखें मीटर के अंदर -9 power of 10। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसके मॉलिक्यूल का अगर हम रेडियस, इसकी अगर हम एटॉमिक रेडियस मीटर में देखें तो -8 power of 10 meter है। सैंड ग्रेन, मिट्टी के एक छोटे से पार्टिकल का अगर हम साइज देखें मीटर में तो -4 power of 10 meter है। एक एंड चींटी का अगर हम एटॉमिक रेडियस देखें तो -2 power of 10 meter है। और वाटर मिलोन -1 power of 10 meter जो है वो इनका एटॉमिक रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि एटम्स जो है वो मैटर्स को बनाने वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उनको बनाने वाली स्मॉल यूनिट्स है, इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि इनके मेजरमेंट के लिए हम एक स्पेशल यूनिट नैनोमीटर यूज़ करते हैं। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/9 power of 10 meter। और कुछ रिलेटिव साइज डिफर टाइप के मैटर्स की एटॉमिक रेडियस की हमने इस टेबल में स्टडी की है। अब जब मैटर्स इतने ज़्यादा छोटे हैं तो हमें इनकी स्टडी क्यों करनी पड़ती है? We might think that if atoms are so insignificant in size, ये साइज में जब इतने insignificant है, इतने छोटे हैं, why should we care about them? तो हम इनके बारे में क्यों सोचें, हम इनकी स्टडी क्यों करें? This is because our entire world is made up of atoms. हमारा पूरा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड में प्रेजेंट सभी जो मैटर्स है वो किसके बने हैं? एटम्स के बने हैं। We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. ये इतने छोटे हैं कि हम इन्हें देख नहीं पाते, लेकिन ये हमारे चारों ओर की सराउंडिंग्स की सभी चीजों को, ये मैटर्स जो है वो क्या कर पाते हैं, वो मैटर्स सभी चीजों को अफेक्टेड करते हैं, ये एटम्स जो हमारे सराउंडिंग में हैं। तो साइज में ये बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर्स है उन सभी को ये एटम्स बनाते हैं, उनको अफेक्टेड करते हैं, इसलिए हमें इनकी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। थ्रू मॉडर्न टेक्निक वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोविंग एटम्स। अभी अगर हम मॉडर्न टेक्निक की बात करें तो इनसे हम एलिमेंट्स की सरफेस की बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज जो है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें एटम्स भी हम देख सकते हैं। तो इन मॉडर्न टेक्निक से एलिमेंट्स की सरफेस की मैग्नीफाइड इमेज हम बना सकते हैं, और इन मैग्नीफाइड इमेज में हमें ये एटम्स भी हमारे लिए विजिबल हो पाते हैं, हम इन्हें देख पाते हैं।